क्यों कुछ सिचुएशंस में हमारे रोंगटे यानी गूज बम्स आ जाते हैं, क्यों कुछ देर पानी में हाथ और पैर डालने से ऐसे सिलवटे आ जाती हैं, आखिर हमारी अंगुली के नाखूनों में ये सफेद दाग क्यों होता है, बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते, और क्यों फीमेल्स के मुकाबले अधिकतर मेल्स ही कलर ब्लाइंड होते हैं। इन सभी चीजों के जवाब इस वीडियो की ही तरह शॉकिंग है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों आपने लोगों के नाखून पे ऐसे सफेद दाग देखे होंगे, कभी सोचा ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होता है? दरअसल नाखूनों पे मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, कोई बीमारी या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसके सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सकें। नंबर 20, 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं यानी जो अपना सारा काम बाएं हाथ से करते हैं वो लगभग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों से जो लोग राइट हैंडेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, जिस वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है और लेफ्ट हैंडेड लोगों में किसी भी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है। नंबर 19, आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर क्या आप जानते हैं कि सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे दिमाग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा ब्रेन 40 की उम्र तक हमेशा बढ़ता रहता है। नंबर 18, इंटरनेशनल हाइपर हाइड्रोसिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस की बॉडी में 5,00,000 स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट ये हमें फील नहीं होते और ज्यादातर ग्लैंड्स हमारे पैर के नीचे, हाथों में और आपके माथे पे होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जहाँ से पसीना बॉडी के बाहर आता है और हमारे एक पैर में ही करीब 1,25,000 स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल्स के पैरों के ज्यादातर स्वेट ग्लैंड्स बंद होते हैं, यही वजह है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स के पैरों में से कम स्मेल आती है। नंबर 17, आपकी जुबान में मौजूद रिसेप्टर से आपको टेस्ट का पता चलता है, अगर जुबान न हो तो टेस्ट का पता लगना इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। रिसेंट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जुबान के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खट्टा, मीठा और तीखे को सेंस करने की एबिलिटी होती है। और हम आपको बता दें कि मेल्स की टंग का साइज 3.3 इंच एंड फीमेल्स की टंग का साइज 3.1 इंच होता है। नंबर 16, हमारे होंठ पूरे शरीर के सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं, वहीं होठों के पीछे एक मैसेटर नाम की मसल होती है जो हमें खाना चबाने में हमारी मदद करती है और ये मसल इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी मदद से हम 90 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। नंबर 15, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं वो अपने बालों को कटवा देते हैं? वेल, वो खुद ऐसा नहीं करते। कैंसर का इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज करा जाता है जिसके साइड इफेक्ट से इंसान के बाल गिरने लगते हैं। वैसे एक हेल्दी इंसान के बाल हर रोज 0.03 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं और ह्यूमन बॉडी के सभी हेयर फॉलिकल्स जिनसे हेयर ग्रो करते हैं वो माँ के पेट में ही बन जाते हैं। नंबर 14, दोस्तों क्या आपको पता है हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% होता है, पर फिर भी ये 30% ऑक्सीजन अकेले कंज्यूम करता है। अब क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है इसीलिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है और यही वजह है कि ये ज्यादा ऑक्सीजन भी यूज करता है। नंबर 13, इंसान हो या जानवर जिंदा रहने के लिए उसे खाना खाना बहुत जरूरी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन भर में कितना खाना खा जाते हैं? वेल, साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करी जिससे ये साबित हुआ कि एक एवरेज हेल्दी इंसान 70 साल की उम्र तक करीब 30,000 किलोग्राम तक खाना खा लेता है। नंबर 12, क्या आपको पता है मच्छर से मौत होने के लिए एक इंसान को अपने आप को 2 मिलियन मच्छरों से कटवाना पड़ेगा? अब ये आखिर कोई क्यों ही करेगा, पर फैक्ट तो यह है कि एक मच्छर आपकी बॉडी से 0.01 ml तक ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लड लॉस से मौत होने के लिए आपको 2 मिलियन मच्छर लगेंगे। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का 73% पार्ट पानी से बना होता है और पानी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी आपके बॉडी वेट के 1% के बराबर होती है तो आपको प्यास लगने लगती है, यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपकी बॉडी में यदि 5 लीटर से कम पानी होगा तो आपको बहुत तेज प्यास लगने लगेगी और अगर यही कमी 10% तक चली जाए तो पानी की कमी से आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 10, आपके फिंगरप्रिंट आपकी सबसे अनोखी चीज है। आपकी उंगलियों की जैसी लकीरें इस दुनिया में और किसी भी इंसान के पास नहीं है। अगर आपका कोई जुड़वा होता तो उसके भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते, पर क्या आप जानते हैं आपकी उंगलियों की तरह आपकी जुबान भी बहुत यूनिक है। अगर आप अपने जुबान का प्रिंट करो तो वो भी इस दुनिया में किसी से मैच नहीं होगा। अब देखते हैं कि कब वो दिन आता है जब हम सभी अपना फोन अपनी जुबान से अनलॉक कर रहे होंगे। नंबर 9, अगर हम अपने लंग्स को बॉडी से बाहर निकालकर पानी में डाल दें तो वो पानी पर तैर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चाहे कितनी भी सांस अंदर या बाहर छोड़ें, हमारे लंग्स में हमेशा 1 लीटर ऑक्सीजन जमा रहती है जिसे रेजिडुअल लंग वॉल्यूम भी कहते हैं और इसी वजह से लंग्स पानी पर तैर पाते हैं। नंबर 8, दोस्तों अगर आप गहरी नींद सो रहे हो
और एक गंदी बदबूदार चीज आपकी नाक के पास रख दी जाए या कोई बहुत अच्छी खुशबू आपको सुंघाई जाए तो क्या आप जाग जाओगे? वेल, न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में करी गई एक स्टडी में सोते हुए लोगों को हिला के, शोर मचा के और आंखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई तो सभी उठ गए, मगर जब उनके नाक के पास किसी चीज को रख के उसे स्मेल कराया गया तो उनमें से कोई भी नहीं उठा। नंबर 7, जब दो लोग आपस में 10 सेकंड के लिए किस करते हैं तो 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया उन दोनों के मुंह से आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मजेदार बात यह है कि इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि ये जो बैक्टीरिया किस करते टाइम सामने वाले से किसी और पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बॉडी का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करते हैं। नंबर 6, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 1 कप के बराबर खून होता है और बच्चे रोते हुए अपने आंसू नहीं बहा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टियर डक्ट्स अभी भी बस डेवलप हो रहे होते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है, इंसान के नाक और कान बचपन से लेकर मरने तक बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से इंसान का चेहरा उम्र के साथ बदलते हुए नजर आने लगता है। नंबर 5, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान? यूके की यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करके ये बताया कि ये सिलवटें असल में बहुत काम की होती हैं। जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो ये सिलवटें हमें चीजों को पकड़ने में मदद करती है। अगर ये सिलवटें नहीं पड़ेगी तो हम अपने हाथों से किसी भी चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 4, दोस्तों, एक इंसान अपनी लाइफ में 160,000 किलोमीटर तक चलता है। इतने में वो इंसान 4 बार पूरे अर्थ के चक्कर लगा सकता है। और चलना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कैंसर रिसर्च यूके के अकॉर्डिंग हर दिन सिर्फ 30 मिनट चलने से आपकी बॉडी में कम फैट जमा होता है और आप ज्यादा फिट रहते हैं। नंबर 3, दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कई सिचुएशंस में हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, यानी हमें गूज़बम्प्स क्यों आ जाते हैं? जब आप एक डरावनी मूवी देख रहे होते हो या किसी पार्टी में बहुत शोर हो रहा होता है या आप बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हो, ऐसी सभी सिचुएशंस में आपकी बॉडी में एक एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है। जब आपको किसी तरह का स्ट्रेस होता है या घबराहट बढ़ती है तब ये रिलीज होता है, और जब ये हार्मोन अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है तब आपके रोंगटे यानी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। नंबर 2, ज्यादातर मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स ज्यादा कलर्स देख पाती हैं, जबकि मेल्स कुछ ही कलर देख पाते हैं, और मेल्स को एक ही कलर के अलग अलग शेड्स पहचानने में भी दिक्कत होती है। कलर ब्लाइंड होने के चांसेस भी मेल्स में ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक एवरेज फीमेल 1 मिनट में 18 से 20 बार अपनी पलकें झपकाती है, वहीं एक मेल सिर्फ 11 से 12 बार ही ऐसा करता है। फैक्ट नंबर 1, ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन होता है जो पैदा होने से लेकर मरने तक हमेशा काम करता है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का दिल ज्यादा तेजी से धड़कता है। ह्यूमन हार्ट एक दिन में 9,000 लीटर तक ब्लड को पंप करता है, और हार्ट से इतना प्रेशर बनता है कि वो चाहे तो हमारे खून को 30 फीट की हाइट तक फेंक सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ह्यूमन बॉडी से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।